अरे भाइयों, आपने कैसा कठोर परिश्रम किया है अगर इन नरेंद्र भाई मोदी के लिए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि भारत की राजनीति में कैरियर आधारित और विचारधारा आधारित दो राजनीतिक पार्टियां मानी जाती हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियां, यह कैडर आधारित और विचारधारा आधारित पार्टियां मानी जाती हैं। आज हम यह कह सकते हैं कि कैडर और विचारधारा वाली केवल एक राजनीतिक पार्टी यदि आज हिंदुस्तान में बची है, तो केवल हमारी और आपकी पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी बची है, जो कैडर के आधार वाली राजनीतिक पार्टी है और विचारधारा वाली भी पार्टी है। यहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, उस कांग्रेस पार्टी के पास न तो अपनी विचारधारा है और न तो उस कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई कैडर है। इस बात का फक्र है कि हम एक ऐसी शानदार पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। इस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे 3 बार काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि यह हमारे लिए एक साधारण, हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए सचमुच यह बहुत ही एक गौरव का विषय है। लेकिन पिछली बार जिस समय मैं अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार कर रहा था, उस समय, आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं, परिस्थितियां सुखद नहीं थी। हमारे दिल में भी एक पीड़ा थी, क्योंकि हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन जी गडकरी के ऊपर जिस प्रकार से एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की गई थी, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। लेकिन आज 1.5 साल के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अध्यक्ष के रूप में जो 1.5 वर्षों तक की जिम्मेदारी हमने निभाई है, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और आज अपने दायित्व को मैं यहां पर छोड़ रहा हूं। और एक युवा कार्यकर्ता जिसका नाम है श्री अमित शाह, उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मैं सौंप रहा हूं। मेरे लिए इससे अधिक और कोई दूसरी सुखद स्थिति नहीं हो सकती है। एक कार्यकर्ता जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, वह भाजपा के इतिहास के शिखर को अपने कार्यकाल में देखे, इससे बड़े हर्ष की बात और इससे बड़े गौरव की बात उसके लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। पिछली राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में हम हिंदुस्तान की एक विपक्षी पार्टी थे, लेकिन आज जब राष्ट्रीय परिषद की हमारी यह बैठक हो रही है, तो बहनों भाइयों, आज हम हिंदुस्तान की एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में हम यहां पर मौजूद हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसके साथ ही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आंखों में एक स्वप्न पैदा हुआ था। स्वप्न पैदा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी एक सत्ताधारी पार्टी बनेगी और भारत को एक महान भारत बनाने में, गौरवशाली भारत बनाने में और भारत को फिर से जगतगुरु के पद पर आसीन कराने में यह भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। यह स्वप्न उनके आंखों में पैदा हुआ था। उसके बाद श्रद्धे अटल जी, श्रद्धे अडवाणी जी, इनके साथ साथ आदरणीय नाना जी, ठाकरे जी, भंडारी जी, जना जी, जगन्नाथ राव जी जोशी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी और उसके बाद युवा अध्यक्षों में हमारे आदरणीय वेंकैया जी, नितिन जी के नेतृत्व में लाखों लाख की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो अथक परिश्रम किया है, सचमुच इसका श्रेय उन सभी कार्यकर्ताओं को जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आज हम हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी बन गए। मैं आपके कठोर परिश्रम को श्रेय तो देता ही हूं, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, कि नरेंद्र भाई मोदी की जो एक लोकप्रियता रही है, उसने हमारा जो पिछले 60 वर्षों का यह पार्टी का इतिहास रहा है, पिछले 60-62 वर्षों का जो हमारा एक स्वप्न रहा है, उस स्वप्न को साकार किया है। मैं भूलना नहीं चाहता, उस समय जिस समय हम संसद में विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे थे, तो लोकसभा में बहन सुषमा जी
राज्यसभा में भाई अरुण जेटली जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी, विपक्षी दल के नेता के रूप में भूमिका निभाई थी। लेकिन विगत 5 वर्षों के कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की जो विफलताएं हैं उनको जिस प्रभावी तरीके से उन्होंने संसद में उजागर किया था, उसका भी परिणाम है कि जन सामान्य का एक की भावना कांग्रेस सरकार के प्रतिकूल बनी थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी थी। भाजपा की एक अद्वितीय विशेषता है कि बराबर यहां पर अध्यक्ष का दायित्व यदि किसी को प्राप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्राप्त होता है। मैं यदि अपने बारे में यदि सोचता हूं तो पहले मैं भारतीय जनसंघ जब बना था उसमें जिला मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। युवा मोर्चे में भी जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाली और पार्टी में भी जिला अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी हमने जिम्मेदारी संभाली है। सचमुच यह अवसर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में किसी कार्यकर्ता को प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में जब हम सभी इंदौर में मिले थे और श्री नितिन जी गडकरी के अध्यक्ष के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए वहां पर मिले थे तो मैंने कहा था यह जो अध्यक्ष का पद होता है यह विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो भी इस पद पर बैठेगा वह न्याय करेगा, जो भी इस पद पर बैठेगा वह इंसाफ करेगा। यह विश्वास मैंने उस समय व्यक्त किया था और मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, कार्यकर्ताओं के लगन और कार्यकर्ताओं का जो समर्पण रहा है उसका भरपूर उसके साथ न्याय करने की हमने कोशिश की है। लेकिन आज इस बात को भी मैं नहीं भूल सकता हूं कि सचमुच जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव किया है इस हिंदुस्तान की जनता ने भी हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के साथ भी न्याय किया है, उनके साथ इंसाफ किया है। मैंने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कहकर सब कुछ, कुछ गलतियां भी हुई होंगी उसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं और जो भी अच्छी बातें हुई हैं मैं देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसे मैं समर्पित करता हूं। जहां तक मेरे उत्तराधिकारी का प्रश्न है आपको बताने की जरूरत नहीं है, श्री अमित शाह जी है मैं यह जिम्मेदारी संभाली है। लोगों के मन में कभी कभी यह बात हो सकती है कि अमित शाह जी ही क्यों, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं आपको इस बार जब 2014 के लोकसभा का चुनाव चल रहा था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में, पार्टी की दृष्टि से सारा हिंदुस्तान यह मानता था कि इस समय उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा हमारा कार्यकर्ता हो सकता है कि जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरी नजर यदि जाकर किसी पर टिकी थी तो वह आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी शाह पर जाकर टिकी थी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी शानदार सफलता हमको प्राप्त हुई है कि 80 सीटों में 71 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक अमित भाई के दल के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रश्न है, उस पर उनके जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगाने की कभी गुंजाइश नहीं रही है। पार्टी के प्रति उनका कैसा समर्पण है शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहनों भाइयों जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने अपने LIC का फॉर्म भरा था, जीवन बीमा का फॉर्म भरा था। याद होगा आपको कि एक कॉलम उसमें यह होता है कि उसके बाद आपका नामनी कौन होगा, तो संगठन के प्रति कैसी निष्ठा, संगठन के प्रति कैसा समर्पण।
तो उस समय अमित शाह जी ने नामिनी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिखा था। एक ऐसे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी है। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब हम श्री अमित शाह जी के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए यहां पर यदि उपस्थित हुए हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह 9 अगस्त अगस्त क्रांति का दिन है। इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 1947 में हम सबको कामयाबी हासिल हुई थी। इसके पहले की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी यह स्वीकार करेंगे, लेकिन आजादी मिल जाने के बावजूद आज तक हम स्व का दर्शन नहीं कर पाए, जिस स्व का दर्शन यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस भारत के अंदर करना चाहते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता भारत में छोड़कर चले गए। क्या वह भारत को उसकी जड़ों से काट कर नहीं रखना चाहती है? यह हम लोगों के लिए विचारणीय है। क्या बात इस आजाद भारत में हम अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी विरासत और अब देश की आत्मा के साथ अपने को जोड़ पाए हैं? यह भी प्रश्न है जिस संबंध में हम सबको आज इस अगस्त क्रांति के दिन विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमने अपनी अंदर की उस शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है जो भारत के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है? क्या हमने उसको पहचान लिया है? क्या हमने भारत की यह जो संस्कृति है जिसे हम विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानते हैं, क्या हमने इसके महत्व को समझ लिया है? इसी स्व को पहचाने का आग्रह आजाद भारत में यदि किसी ने किया था तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया था। सौभाग्य था 1998 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन सचमुच जो प्रेरणा अटल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्राप्त की थी, उसी आधार पर उन्होंने कुछ कदम भी उठाने की कोशिश की थी। आपने देखा कि दुनिया की सारी ताकतों के विरोध के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान की वीर भूमि पर दुनिया के देशों की परवाह न करते हुए अपने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण की इजाजत दी थी। किसानों के हितों की चिंता करते हुए गांव गली गलियारों में रहने वाले लोगों के हितों की चिंता करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में दुनिया की परवाह न करते हुए जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी सरकार को कदम रखने का, पैर जमाने का, अंगद की पांव की तरह अपनी मंत्री को आदेश दिया था, उसी का परिणाम यह रहा है कि हमको वह कामयाबी मिली कि आज हम किसानों को जो भी आवश्यक कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए वह सारी सुविधाएं दिलाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों का ही नहीं बल्कि गांवों का भी कैसा विकास होगा, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला, गांव के का गरीब अथवा हिंदुस्तान का शहरों का भी गरीब भूख के कारण न मरने पाए, इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना भी अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। जिस मिशन को मुझे विश्वास है कि आदरणीय अटल जी ने प्रारंभ किया था, तो सचमुच आजाद भारत में उस मिशन को यदि कोई पूरा करेगा तो आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पूरा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि हम गांधी जी ने कहा था अंग्रेज, और आज हम सब लोग यह संकल्प ले जाएं कि भारत की आत्मा से नाता जोड़ो, यह संकल्प लेकर हम लोगों को भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाना है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत केवल एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं है, हम महानतम सभ्यता में से एक हैं और हमारी क्षमता मनुष्य की कल्पना से परे है। मेरे बहनों भाइयों, हमारा लक्ष्य अद्भुत होगा,
हमारे हमारी क्षमता चूंकि अद्भुत है, हमने अंतरिक्ष के नक्षत्रों की गति को भी पहचाना है, और केवल नक्षत्रों की गति को ही नहीं पहचाना है बल्कि अंतर आत्मा की गति को भी पूरे भूमंडल में यदि किसी देश ने पहचाना है तो केवल और केवल भारत देश ने पहचाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की एक अप्रतिम क्षमता है, और हमारी क्षमता हमने सागर पर समुद्र पर सेतु बनाने से लेकर हिमालय से गंगा निकालने में भी कामयाबी यदि हासिल की है तो हमारे भारतवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने वह कामयाबी हासिल की है। ऐसी कामयाबी विश्व में किसी देश को आज तक नहीं मिली। हमारी क्षमता विराट है, हमारी क्षमता विराट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य भी विराट होना चाहिए। क्यों विराट होना चाहिए? क्योंकि हम भारत को जगत गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं। हमें सत्ता तो हासिल हो गई है, लेकिन यही निवेदन करना चाहता हूं, सत्ता को हम मंजिल न समझें। सत्ता जो हासिल हुई है वह हमारे लिए पड़ाव है, अतः अभी और अधिक तपस्या की, और अधिक परिश्रम की, और अधिक समर्पण की हम सबको बहनों भाइयों आवश्यकता है। बैठक जी की वह व्यक्ति वर्तमान के मोह पास में आने वाला कल न बुलाए, आओ मिलकर दिया जलाएं, यह आदरणीय अटल बिहारी जी की जो पंक्ति है उसको याद करने की आज आवश्यकता है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सचमुच भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर आसीन कराने में कामयाबी हासिल करेगी। यह मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। इसीलिए आज के अवसर पर मैं अपनी तरफ से भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला था श्री अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो देने के लिए, उसका अनुमोदन आप भी करें। वह प्रस्ताव मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा सर्वसम्मत से श्री अमित भाई शाह को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के आग्रह है कि आप सभी सदस्य खड़े होकर एक बार तालियां बजाते हुए उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।